फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रोन ऑनलाइन सॉल्यूशन एंड आल्सो विजिट माय फर्स्ट वॉल ज्ञान का पिटारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th नंबर सिस्टम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस ए प्लस एक्स पावर सी माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स पावर ए माइनस बी प्लस एक्स पावर सी माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस सी प्लस एक्स पावर ए माइनस सी इक्वल टू 1। तो दोस्तों, अपन यहाँ पर LHS लेके RHS लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कौन से लॉज यूज करने वाले हैं अपन। यहाँ पर लिखा हुआ एक्स पावर माइनस एन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/(x)n। और यहाँ पर एक और चीज अपन को यहाँ पर यूज करना है, एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी। अगर जब दो नंबर का बेस इक्वल होता है तो पावर क्या जाती है, एड हो जाती है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर ए प्लस बी। तो अपन LHS लेते हैं, ये मैंने LHS को यहाँ पूरा लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन तीनों टर्म्स को अलग अलग सोल्व करके फिर अपन तीनों को वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले सबसे पहले लिया एक्स पावर 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस ए प्लस एक्स पावर सी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल तो पावर एड हो गई है। इसका मतलब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स पावर बी इंटू एक्स पावर माइनस ए प्लस एक्स पावर सी इंटू एक्स पावर माइनस ए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस एक्स पावर बी अपॉन, क्योंकि एक्स की पावर माइनस ए जो है वो हो जाता है 1/(x) की पावर एन। तो यहाँ पर एक्स की पावर माइनस ए है, तो ये हो जाएगा 1/(x) पावर ए, दैट मीन्स प्लस की पावर बन जाएगी। सिमिलर यहाँ पर एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए, ये बन गया अपने पास। अब इसके इक्वल टू में मुझे फिर से यहाँ पर देखिए, आप ये जो नंबर है इसका पूरा इक्वल सेम आएगा अपने पास, एक्स पावर ए। तो एक्स पावर इसके अपॉन वन है, वन से डिवाइड किया तो एक्स पावर ए जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स पावर ए। ये वन से वन कैंसिल, ये बचेगा एक्स पावर बी और यहाँ बचेगा एक्स पावर सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो बन जाएगा एक्स पावर ए इंटू में चला जाएगा, फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैं बचेगा एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। सिमिलरली अपन बात करते हैं सेकंड वाले टर्म्स की। अपने सेकंड टर्म जो है वो ये है, 1/1 प्लस एक्स पावर ए माइनस बी प्लस एक्स पावर सी माइनस बी। तो अपनी सेकंड टर्म अपन लिखते हैं यहाँ पर, 1/1 प्लस एक्स पावर ए माइनस बी प्लस एक्स पावर सी माइनस बी प्लस एक्स पावर सी माइनस बी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी, जो अपन अभी लिखा था, प्लस एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर बी। तो फ्रेंड्स, इसका जो एलसीएम आएगा वापस इस प्रकार यहाँ पर आएगा एक्स पावर बी और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 इंटू, ये हो जाएगा एक्स पावर बी इंटू 1 प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी। तो जो फाइनल आंसर आएगा इसका अपना, वो आएगा एक्स पावर बी, क्योंकि जाएगा इंटू में 1 के, एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। सेकंड टर्म का आंसर आ गया। अब इस सेम सिमिलरली अपन बात करते हैं थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म अपने पास क्या है, 1/1 प्लस एक्स पावर बी माइनस सी प्लस एक्स पावर ए माइनस सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस सिमिलरली इसका एलसीएम आएगा 1/, एलसीएम आएगा एक्स पावर सी। तो 1 से डिवाइड करने के बाद बचेगा एक्स पावर सी, ये बन जाएगा एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए। तो ये जो इंटू में 1 के जाएगा तो बन जाएगा फाइनल आंसर अपने पास, एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। इस प्रकार हमने तीनों को सोल्यूशन निकाल लिया और तीनों की वैल्यूज को अपन यहाँ पुट कर देंगे। इसकी जो वैल्यूज अपन निकाल चुके हैं ये आ गई, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। नाउ फाइनल आंसर जो बचेगा अपने पास, इस टर्म की जो वैल्यूज अपन निकाली तो ये आई है, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर ए प्लस बी प्लस सी, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। सिमिलरली अपन ने सेकंड टर्म की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यूज अपने पास आई एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। सिमिलरली थर्ड टर्म्स का जो आंसर है वो अपने पास आया एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी। और तीनों का जो कंबाइन एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी।
ये पूरी टर्म इससे कैंसिल, सिमिलरली सिंगल वन बचेगा, वन का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये बचेगा एक्स पावर ए, सेम चीज यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, वन बचेगा इंटू एक्स पावर बी और सेम थिंग एक्स पावर सी, ये पूरा कैंसिल हुआ तो फाइनल आंसर क्या बचेगा अपने पास, वन। और यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स माय वीडियो ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।